नमस्कार सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा भारती। बड़ी खबर निकलकर सियासी गलियारे से सामने आ रही है। आपको बता दें कि लोजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक टल गई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, आज लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक करने वाली थी जिसमें आज अहम फैसला आने वाला था, लेकिन ये बोर्ड की बैठक टल गई है। दरअसल कारण रामविलास पासवान का स्वास्थ्य बताया जा रहा है। जी हाँ, रामविलास पासवान का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं चल रहा है, उनकी स्वास्थ्य खराब है, उनका जो तबीयत है वो खराब है, जिस कारण से चिराग पासवान ने ये बैठक टाल दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, चिराग पासवान जो आज फैसला लेने वाले थे उस फैसले को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है और कारण रामविलास पासवान का स्वास्थ्य बताया गया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान एनडीए से नाराज चल रहे हैं। दरअसल ज्यादातर नाराजगी उनके नीतीश कुमार से है। इस बीच आज वो एक बड़ा फैसला लेने वाले थे, जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया कि चिराग पासवान के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं और एलजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमला भी बोलती हुई नजर आ रही है। आज भी एक पोस्टर के जरिए आज नीतीश कुमार पर एलजेपी हमलावर रही। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एलजेपी आज एक बड़ा फैसला लेने वाली थी, लेकिन फिलहाल के लिए उस फैसले को रोक दिया गया है और चिराग पासवान ये जो बैठक है वो स्थगित कर दिए हैं और जो फैसले आने वाले थे वो शायद इस वक्त नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसका हवाला चिराग पासवान ने रामविलास पासवान के स्वास्थ्य को दिया है कि स्वास्थ्य उनके पिता का स्वास्थ्य खराब है, जिस कारण से ये बैठक टाल दी गई है। तो अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। तब तक के लिए धन्यवाद।